नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत भारतीपुर पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी श्याम बाबू पासवान जी, जिनसे हम बात कर ये जानेंगे कि वर्तमान में इस पंचायत की स्थिति क्या है, सरकार की जो योजनाएँ आ रही है वो इस पंचायत में कहाँ तक पहुँच पाई है और आगे क्या कुछ संभावनाएँ बची हैं। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये वर्तमान में इस पंचायत के उप मुखिया भी हैं और सामाजिक कार्यों में पिछले 10 वर्षों से सक्रिय रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप जो अभी ये कार्यक्रम जो 10 मिनट का लगभग चलेगा, जिसको देखकर आप इस पंचायत की वस्तु स्थिति से अवगत होंगे और हम ये आग्रह भी करेंगे कि आपको यदि इस पंचायत के संबंधित कोई जानकारी हो या और कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे। हम आपके द्वारा किए गए कमेंट, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब पुनः इस पंचायत में आकर लोगों से प्राप्त कर इनसे प्राप्त कर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो श्याम बाबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्याम बाबू जी, आपने जो देखा इस पंचायत की अभी वस्तुस्थिति जो है, हमारे दर्शकों को अवगत कराएं कि यहाँ क्या कुछ विकास हुआ है, पहले हमारे दर्शकों को वो बताएं। हमारे यहाँ अभी जो है वर्तमान में रोड रास्ता भी बहुत ज़्यादा सुधार हुई है और यहाँ लगभग 40 से 50 लीटर पर पानी मिलता था, उससे बहुत सारी बीमारियाँ जो है उत्पन्न होती थी। साथ निश्चय से नल जल का भी जो है से कार्य हुई है और बिजली पर भी कार्य हुई है। अभी तो हमारी बाढ़ से बहुत ज़्यादा त्राहिमाम है लोग और बाढ़ में यह स्थिति हो गई है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ भी हो रही हैं। इस बाढ़ में हम लोग परेशानी को देखते हुए पंचायत में 7 जगह जो है किचन सेट भी चलाए हैं जी। तो ओवरऑल आपने जो कहा कि यहाँ पर बाढ़ की समस्या तो अभी आ ही गई है, उससे पहले जो विकास हुआ है उसमें आपने कहा सड़क बन गई है यहाँ पर, नल जल योजना, 7 निश्चय योजना पर भी काम हुआ है आपके पंचायत में जी। नल जल पर भी काम हुई है जी। तो नल जल पर भी काम हो चुका है, बिजली की भी व्यवस्था भी आपने सही बताई, तो ये हुआ है। हमारे दर्शकों को बताएं कि सड़क के लिए अभी क्या आपके पंचायत में कुछ कच्ची सड़क भी बची है जहां पर काम होना बाकी है, आपके विचार में क्या, आपके नज़र में क्या है? जी जी, बिल्कुल बची हुई है। हमारे यहाँ सड़क की तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं। भरतीपुर में जो है बहुत ज़्यादा, आप जाएंगे तो लगभग 5,000 की आबादी में अंदर घर है और वो लोगों को रास्ता के लिए बहुत कठिनाई होती है। उसका कारण, मुख्य कारण यही है कि वहाँ पे सरकारी कोई ज़मीन नहीं, सब लोगों का अपना निजी ज़मीन है और हम लोग प्रयास करते हैं कि सभी लोगों से समझौता करके, प्रेम से सभी लोग जो है आग्रह करके, विनती करके उन लोगों से लेकर किसी तरह जो है हम लोग कुछ दूर में बनाए भी हैं और प्रयास करते हैं कि आगे भी बनाएं जी। तो सड़क की समस्या आपने बताई जिस पर आप काम कर रहे हैं, आप बताएं कि अभी जो यहाँ पर सरकार की योजना है जिसमें कि जो गरीब लोग हैं या जो राशन कार्ड योग्य जितने भी लोग हैं, क्या उनको राशन कार्ड मिल गया है? जी 100% को तो नहीं हो पाई है, मगर फिर भी जो है यहाँ ठीक ठाक है अभी, मगर फिर भी 10-20% लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो गरीब असहाय लोग हैं और अभी भी कुछ बचा हुआ है लोगों के पास जो है। इससे पहले आवेदन भी हुई है, 160 कार्ड भी कुछ नए बने हैं और कुछ लोग अभी भी वंचित हैं। तो ये जो वंचित हैं, आप चूंकि यहाँ के उपमुखिया हैं तो क्या कुछ आप लोगों ने प्रयास किया है इसको करने के लिए? पूरा हम लोग प्रयास किए हैं, यहाँ से ब्लॉक तक के जो है RTPS काउंटर के माध्यम से जो है आवेदन करवाए हैं, लोग जो है वहाँ तक जाके आवेदन दिए हैं और आवेदन देने के बाद जो है अभी तक कार्य पूर्ण चालू है, देखिए कब तक जो है बन पा रहा है जी। तो आवेदन आप लोगों ने दिया है और वहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। तो हम अपने दर्शकों को भी कहना चाहेंगे और साथ साथ में हमारे इस चौपाल समाचार में संबंधित अधिकारी पदाधिकारी भी संभवतः इसको देख रहे होंगे, तो जो राशन कार्ड की समस्या जो इन्होंने बताई और सड़क की समस्या बताई, उस पर भी अपना विचार आप जरूर कमेंट के माध्यम से देंगे और यहाँ की व्यवस्था में भी आप अपने स्तर से भी जांच पर रखकर उसको ठीक ठाक और सहयोग करने की कृपा करेंगे। तो हम और आगे जानना चाहेंगे कि अभी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सरकार की है जिसमें विभिन्न प्रकार के पेंशन है, उसको लेकर क्या स्थिति है आपके पंचायत में? सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अभी तक ठीक ठाक है सर, मगर कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जैसे इससे पहले कुछ
ऑनलाइन जो किया गया उसमें बहुत सारे लोगों को वंचित कर दिया गया। पता नहीं किस कारण से हम लोग चक्कर लगाते रह गए ब्लॉक का, और ब्लॉक के माध्यम से कुछ लोगों का सुधार हो पाया, कुछ लोग अभी भी नहीं हो रही है। तो हम लोग फिर जो है री अप्लाई जो है वृद्धजन योजना का जो है, मतलब हम लोग पंचायत के माध्यम से RTPS काउंटर के माध्यम से जो है अप्लाई करके उसको जो है सुधार किए करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी आप उसको क्या मानेंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बेहतर स्थिति मान रहे हैं कि निम्न स्तर पर आपके यहाँ है? बेहतर बेहतर स्थिति तो है ही, मगर कुछ लोगों का जो नहीं हो पा रहा है उससे जो है सो लोग में आक्रोश है, थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा जनप्रतिनिधि लोगों को भी दिक्कत होती है उसकी जो है सो थोड़ा सा जो है लोग जो है दूसरे निगाह से लोगों को जो है सो थोड़ा देखते रहते हैं। तो इसलिए विशेष करके हम लोग सामाजिक वर्कर हैं, समाज में जो है से रहते हैं तो हम लोगों के साथ कठिनाई होती है जी। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर थोड़ी समस्या है इस पंचायत में, और उसका भी निदान संभव निकल जाएगा। आप बताएं कि श्याम बाबू जी की यहाँ पर जो रोजगार को लेकर जो अवसर है पंचायत में, वो क्या कुछ अवसर है आपके यहाँ, कैसे रोजगार लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है? रोजगार तो सर जान ही रहे हैं, लगभग बिहार की स्थिति ही जान रहे हैं। बिहार में बहुत सारे लोग पलायन करते हैं, बिहार से बाहर जो है कमाने का प्रयास करते हैं, मगर हमारे यहाँ जो है जब से ग्राम पंचायत मुखिया जी के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि जो ही ग्राम पंचायत में कार्य हो उसके माध्यम से लोगों को जो है जोड़ा जाए और उससे कार्य करवाया जाए जो है जी। तो आपने जो अभी बताया मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा कि सरकार की जो योजना है रोजगार गारंटी योजना जिसमें मनरेगा है जी। उसको लेकर क्या स्थिति है आपके पंचायत में? मनरेगा में कार्य जो होती है लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, मगर अभी तो बाढ़ आई हुई है, अभी तो इस कार्य पर पूर्ण रूप में विराम है, मगर मनरेगा से लोगों को जो है कार्य मिलती है ग्राम पंचायत में। तो रोजगार जो बाहर से अभी जो लॉकडाउन हुआ था, जो लोग बाहर से यहाँ पर आपके पंचायत में आए होंगे आपके पंचायत के निवासी, उन लोगों की क्या स्थिति है अभी, उनको क्या रोजगार नहीं मिल पा रहा है? लॉकडाउन के बाद आए थे तो कुछ दिनों के लिए जो है मतलब जिस समय पानी नहीं था, बाढ़ की स्थिति नहीं थी तो काम मिला था सर, मगर अभी तो बाढ़ आ गई है तो अभी तो लोग सभी लोग जो है डिस्टर्ब हैं, इसलिए जो है कार्य अभी मनरेगा से नहीं हो पा रही है ग्राम पंचायत में, बाढ़ की स्थिति में कैसे काम हो पाएगा सर। चलिए, आपने बड़ी अच्छे तरीके से सब कुछ बताया है। दर्शकों को भी हम कहना चाहेंगे कि ये अभी जो पहली मुलाकात है श्याम बाबू जी से, आगे भी जब आप प्रश्न पूछेंगे इस पंचायत को लेकर तो हम पुनः फिर आकर आपका जो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब यहाँ से लेकर हम देंगे। ऐसे इन्होंने पहली जो जानकारी है उन्होंने बता दी है यहाँ की क्या व्यवस्था है, और जो आगे की भी जो जानकारी है वो भी हम लगातार इनसे प्राप्त कर रहे हैं। तो श्याम बाबू जी, हम मुझे ये बताएं कि और अन्य जो सरकार की योजनाएँ हैं जो कि लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए है, तो किस किस योजनाओं पर और काम हो रहा है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जिसके मैंने जो पूछा उसके बाद भी? अभी तो सर विशेष जो है से कार्य यही नल जल हुई है, क्योंकि उस कोरोना से लोग जो है कोरोना महामारी के बीच जी पा रहे थे, तो उस समय तो जो है सब लोग जो है थोड़ा सा मतलब दायरे में काम हो पाती थी, उतना जोर से काम हो नहीं पाता था, मगर कुछ जो है से मतलब खुला है तो काम जो है ग्राम पंचायत के माध्यम से जो हमारे यहाँ एक सरकार भवन की निर्माण हुई है उसमें भी जो है से मतलब कुछ लोगों का जो है से रोजगार दिया गया था जी। ग्राम पंचायत सरकार भवन में, मगर बाढ़ के पानी आने से वो भी काम डिस्टर्ब हो गई है जी। तो अभी ओवरऑल काम चल रहा है आपके पंचायत में और बाढ़ के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हुआ है, तो आप मुझे ये बताएं कि बाढ़ को लेकर क्या कुछ निदान निकाला गया सरकार की तरफ से, उसका क्या सहयोग मिला? बाढ़ के सरकार की तरफ से बहुत सारे हेल्प हुई है, हमारे यहाँ किचन सेट 7 किचन सेट ग्राम पंचायत में चली थी, और मतलब कुछ बाढ़ में जो 6,000 रुपया जो है लोगों को दिया गया। हम लोग सरकार से एक मांग करते हैं कि राशन कार्ड वाले को तो 6,000 रुपया दिया जा रहा है, मगर हमारे ग्राम पंचायत में विदाउट राशन कार्ड वाले लोग जो हैं कुछ ऐसे गरीब हैं, मतलब सही से उनका घर द्वार भी ठीक ठाक नहीं है, मगर फिर भी वैसे लोग वंचित हो रहे हैं। मतलब हम लोगों को जानकारी मिली है कि मतलब 10% लोग को ही दिया जाएगा विदाउट राशन कार्ड वाले को, तो इस बाढ़ में सभी लोग जो है से बहुत ज़्यादा स्थिति दयनीय है, वो लोगों को भी दिया जाए, यही मेरी आग्रह है। तो
इन्होंने इस पंचायत की स्थिति बताई है। भरतीपुर पंचायत है और यहाँ पर बताया कि काम हो रहा है, कुछ कुछ समस्याएं हैं जिसका निदान हम सभी को निकालना है। आप दर्शकों को भी मैं आग्रह करूंगा कि अपने स्तर से भी इसके निदान के लिए जो भी कुछ संभव हो सकता है मार्गदर्शन कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और आगे भी मदद कर इसको पंचायत को बेहतर बनाने में काम कर सकते हैं। अभी आप अभी जो बताना चाह रहे हैं श्याम बाबू जी, आप एक बार बताएं कि और क्या कुछ बताना चाह रहे हैं इस पंचायत के विषय में। जैसे कुछ पन्नियां भी आई हैं सरकार के माध्यम से, हमारे सीओ साहब पन्नी भी कुछ दिए थे और सूखा राहत भी दिए थे, कुछ 400 पैकेट के करीब में सूखा राहत भी मिली। तो जिस गांव में नहीं मतलब सेट चल रहा पा रहा था उस गांव में सूखा राहत भी वितरण किया गया है और पन्नी भी जो है कुछ कम ही हम लोगों को मिल पाया, 600 कड़ी में पन्नी मिल पाया, तो उसी में किसी तरह जो है हम लोग जो है जनता के बीच जो है वितरण किए। जो बहुत ज़्यादा स्थिति दयनीय खराब थी बाढ़ में, वैसे लोगों को जो है सो लाभों को पन्नी भी हम लोग देने का प्रयास किए हैं और सरकार जो है सभी लोगों को तो संभव है नहीं कि हर लोगों को मिल पाए। जी आप मुझे ओवरऑल बताएं कि बाढ़ को लेकर जो समस्या थी वर्तमान में अभी कंट्रोल में है या और कुछ समस्या बची है? मिला जुला के सर कंट्रोल में है जी। तो ये भी इन्होंने जो बात बताई कि बाढ़ को लेकर जो समस्या थी वो कंट्रोल में है, आगे भी हम जो जानकारी यहाँ पर लेनी हो मैं पहले बता चुका हूँ कि हम आपको पहुँचाएंगे। अब हम आखिरी में जानना चाहेंगे कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी में जो समस्या हो रही है उसमें आप कैसे लोगों को, आपके पंचायत के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इसको कैसे काम हो रहा है? कोरोना में सर हम लोग ग्राम पंचायत में जो है हमारे मुखिया जी के सहयोग से मतलब जागरूकता अभियान भी चलाया गया, प्रचार प्रसार भी किए और डिस्प्ले पर भी जो है मतलब कहीं कहीं जो है आप देखेंगे हमारे ग्राम पंचायत में घूमेंगे तो देखेंगे कहीं कहीं पर मतलब दीवार पे जो है कोरोना के बारे में समझाया गया है लोगों को। दूसरा कि सरकार के माध्यम से भी चार मास्क दो साबुन वितरण के लिए हम लोगों को गाइडलाइन मिली थी, हम लोग जो है जनता के बीच जो है देने का काम किए हैं और अदरवाइज हमारे कुछ जनप्रतिनिधि से भी सहयोग मिला था, हम लोग वो भी जनता के बीच जो है देने का काम किए हैं। तो कोरोना को लेकर भी आप लोग निपट रहे हैं, उसको कोई समस्या विशेष नहीं है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्याम बाबू जी कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया है। लगभग की जानकारी हमने आपके माध्यम से लेकर दर्शकों तक पहुंचा दी है और हम आगे भी आशा रखेंगे कि आप जैसे ही हमारे दर्शक कुछ प्रश्न पूछते हैं तो आगे भी आप जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आप मुझे बताएं कि अभी जो जनता जो आपके यहाँ पंचायत के लोग जो समस्या से जूझ रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे कि उनको मदद मिले, उनको हिम्मत मिले? इस संकट की घड़ी में जनता को हम लोग यही कहेंगे कि धैर्य के साथ काम लें, ये बहुत बड़ी आपदा है, आपदा तो तमाम लोगों के लिए है। जहाँ तक हम लोगों को हो पा रहा है हम लोग ब्लॉक से लेकर जिला तक प्रयास करते हैं कि जनता को कोई भी समस्या के लिए खड़े रहते हैं और प्रयास करते हैं कि कोई जहाँ तक संभव हो जनता के बीच सही चीज़ सही जगह मिल पाए। और हर लोगों के लिए बाढ़ की स्थिति बहुत बड़ा भयावह है, सरकार जो हमें दे रही है उसमें तो सभी लोगों को मुमकिन नहीं है कि हम लोग दे पाएँ, मगर इस बाढ़ की स्थिति में सब लोग से यही आग्रह करेंगे सब लोग जो है शांतिपूर्ण धैर्य बना के रखें और आगे की जो है कार्य होता रहेगा हम लोगों के माध्यम से जी। तो श्याम बाबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए हैं। दर्शकों का भी धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को इतने समय तक देखे हैं। आगे भी कोई प्रश्न अगर हो तो आप पूछें, हम इसका जवाब लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि इन्हीं सब खबरों का जो हम लोग के ग्राउंड की रिपोर्टिंग है जहाँ पर हम गांव में जाकर यहाँ की व्यवस्था को समझदारी के साथ जो बात आपके सामने लानी होती है उसको लेकर आप तक पहुँचाते हैं। तो यही सिलसिला आगे भी जारी रहे, आप हमारे चौपाल समाचार से जुड़े रहें और हमारे द्वारा जानकारी को जो मैं उपलब्ध करा रहा हूँ इसमें अपने स्तर से सहयोग कर यहाँ के विकास में अपना योगदान दें। इसी आशा के साथ कैमरामैन धीरेंद्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए धन्यवाद।